हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे कि ये कंटेंट आपको कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और इस कंटेंट में इस टॉपिक इस पीडीएफ में क्या क्या आपको कंटेंट मिलने वाला है, तो हम लोग वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य जो है काल विभाजन और नामकरण मिल जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन मिल जाएगा, आदिकाल पर मिल जाएगा, उसके बाद भक्ति काल का उद्भव विकास मिल जाएगा, रीतिकाल आधुनिक काल में देखिए सब मिल जाएगा। सारे देखिए आधुनिक काल के बारे में सिंपल दिए हुए हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नौनिक, नवगीत और उपन्यास, अब हिंदी कहानी का उद्भव, हिंदी नाटक का विकास, अब हिंदी निबंध साहित्य का विकास। आपको पूरा का पूरा इस पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अब ये जो मिलने वाला आपको पास है, देखिए टेलीग्राम चैनल तो आपको पता है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से इजी ज्वाइन होकर आप पूरा जितनी भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वहाँ मिल जाते हैं। या आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही क्या किया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया रहेगा, वहाँ से इजी ज्वाइन होकर आप सारे पीडीएफ को एक साथ पढ़ सकते हैं आराम से, जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं यहाँ पर। और जिसे भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, चाहे टेलीग्राम चैनल नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, तब इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। अब खाली मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे ये कंटेंट चाहिए, बस आप कॉल मत कीजिएगा। कॉल कीजिएगा तो मैं रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल बहुत बिजी है, इसलिए कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। आप खाली मैसेज कर दीजिएगा, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, जिसका जिसका मैसेज देखूंगा मैं सारे को फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं जो पीडीएफ है फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी कंटेंट झारखंड पीटी हिंदी के साहित्य के रिलेटेड जितना भी चाहिए, जैसे खंड क ख ग घ जो भी खरीदना चाहते हैं, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जरूर जरूर मिल जाएगा। और जितने भी कंटेंट यूट्यूब में डाले हुए हैं सारे कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, कुछ कंटेंट आपको देखिए चार्ज, जैसे आप 480 का एक प्लान है, उस प्लान में लीजिएगा तो आपको जितनी भी मैं यूट्यूब में कंटेंट डाला हूँ, जितनी भी MCQ चाहे जो भी चीज़ है, आपको सारे इसमें आ जाएंगे। और 450 में क्या है कि कुछ इसमें से कंटेंट आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन 480 लीजिएगा तो आपको जितनी भी कंटेंट अवेलेबल होगा सारे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, या इंडिविजुअल टॉपिक भी परचेस कर सकते हैं। चलिए इसका मैं दिखाता हूँ क्या क्या, देखिए यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल से आप देख लीजिएगा, पूरा आपको बहुत अच्छा कंटेंट्स है, आपको सारे अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए सारे बहुत अच्छे से है, देखिए नामकरण भी दे दिया, अच्छा समझा दिया है, यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट है, पीडीएफ बहुत बड़ा है। देखिए आदिकाल यहाँ शुरू हो रहा है, मेन आदिकाल से, आप देखिए इसको बहस से पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास का वेटेज भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है एग्जाम में, इसलिए आप उसको भी कवर करके ही जाइए। बाकी हिंदी भाषा के इतिहास और जो भी है, बाकी जितने भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप उसे जरूर से जरूर पढ़ें और रिवीजन ज़्यादा करें, रिवीजन के लिए, और साथ में मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। जितना मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी लास्ट 10 डेज तक खाली मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, और रिवीजन कीजिए, कुछ नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसी को रिवीजन कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो चलिए यहीं पर मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आपको ये कंटेंट अगर आपको लिए उपयोगी हो या फायदेमंद हो, तो कंटेंट जरूर से लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।